फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल ज्ञान गुंजन में। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के थंबनेल देख के जान चुके होंगे कि आज मैं आप लोग इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म फिल किए हैं और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, तो कैसे आप जो आपका भी स्टेटस चेका जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी का कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, तो कैसे चेक करें। जी हाँ फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो कैसे आप अपना स्टेटस चेक करें, आज मैं आप लोग इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाह रहे हैं, अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है और आप अपना रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिल किए थे आरआरबी एनटीपीसी का उसका स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन से, तो वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम अभी अपना गूगल के क्रोम ब्राउजर में आ गए हैं। आपको यहाँ सिंपली गूगल के जो क्रोम ब्राउजर का जो सर्च बार होता है उसमें टाइप कर लेना है सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा सरकारी रिजल्ट, तो आप लोग के सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपली यही टाइप करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, सरकारी रिजल्ट, जैसे ही आप टाइप कीजिएगा तो आप लोग के सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं sarkaririzult.com, आपको सिंपली इसी वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के इस टाइप से आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सिंपली यहाँ देख सकते हैं जो एडमिट कार्ड का सेक्शन है उसी में स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। जैसे ही आप नीचे आइएगा तो आप लोग के सामने एक नया इंटरफेस देखिए इस टाइप से शो होगा। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग के सामने शो होगा रेलवे आरआरबी एनटीपीसी फॉर्म स्टेटस 2020। आपको सिंपली इसी वाले लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के इस टाइप से आएगा, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। जैसे ही आप नीचे जाइएगा तो आप लोग के सामने एक नया इंटरफेस फिर देखिए इस टाइप से खुल के आएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप, चेक फॉरम स्टेटस, इधर आएगा क्लिक हेयर, तो आपको सिंपली यहाँ क्लिक हेयर वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के इस टाइप से आएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आप, अब हम आपको बता दें कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, आप जो भी बोर्ड में अपना फॉर्म फिल किए होंगे, सबसे पहले आपको वो बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि देख सकते हैं, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, पटना, रांची, सिकंदराबाद, मुजफ्फरपुर, तिरुवनंतपुरम और सिल्लीगुड़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसमें से जो भी बोर्ड में फॉर्म फिल किए होंगे, सबसे पहले आपको वो बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना होगा, आप जिस भी बोर्ड में फॉर्म को अप्लाई किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मेरा दोस्त है जो रांची बोर्ड फिल किया है, तो हम यहाँ से रांची सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप रांची कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं, अगर आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है तो सिंपली आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो आपका स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप कैसे करें, तो उसके लिए आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करके जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं, एक नया इंटरफेस खुल के आप लोगों के सामने आएगा, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। देख सकते हैं, पंजीकरण संख्या भूल गए तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने नया इंटरफेस खुल के इस टाइप से आएगा, यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, आपसे मांगा जाएगा, यहाँ देखिए आप इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फॉरगेट करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने दो ऑप्शन खुल के आएगा, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। यानी कि अगर आपका ईमेल आईडी याद है और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से आपको ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल के एक रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लिए ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप यहां देख सकते हैं, सिंपली आपको इसमें पंजीकृत ईमेल आईडी फिल कर देना है और जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करके, और जो वो कैप्चा नज़र आ रहा है सिंपली आपको यहां फिल कर देना है और सिंपली गेट डिटेल्स वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फटाफट यहाँ से सारा चीज़ को फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ से एक जो मेरा रजिस्टर ईमेल आईडी है वो फिल कर लिए हैं और डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिए हैं और यहाँ कैप्चा वो भी यहाँ फिल कर लिए हैं, और सिंपली हम यहाँ गेट डेट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देते हैं डिटेल्स वाले सेक्शन पे। तो जैसे ही आप यहाँ देखिए गेट डिटेल्स वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं,
जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखिए यहाँ शो कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड यो रजिस्ट्रेशन नंबर इज, फ्रेंड यहाँ देख सकते हैं जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ शो कर दिया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा या फोटो वगैरह क्लिक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब आप जान चुके होंगे कि कैसे आप RRB NTPC का रजिस्ट्रेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए और अपना डेट ऑफ बर्थ के जरिए आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप स्टेटस चेक करना नहीं जानते हैं और वो वीडियो देखना चाह रहे हैं तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।